आज की लघु कथा है, नाम है उसका टिफिन। टिफिन जिसको हम लंच बॉक्स कहते हैं, नाश्ता का डिब्बा कहते हैं, या फिर हम कहते हैं टिफिन। टिफिन का महत्व क्या है? छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, लंच बॉक्स ले जाते हैं, उसमें मम्मी उसको बहुत ही अच्छे वेफर है या बहुत ही मस्त ताज़ा गर्म अच्छा सा नाश्ता देती है। तो जब पति जाते हैं ऑफिस तो उसके साथ टिफिन के डिब्बे होते हैं, उसमें पत्नी अपना प्यार के साथ खाना भी परोस देती है। तो कभी कभी हम कोई शादी में या बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं तो घर में होते बुज़ुर्ग माता पिता, हम उसके लिए भी वहाँ से टिफ़िन ले आते हैं। अभी टिफ़िन का महत्व क्या है? महत्व ये है कि टिफ़िन यानी कि वो चीज़ है कि हमें यूनिटी में खाना खाना चाहिए। कहते गुजराती में, जिसका अन्न एक उसका मन भी एक होता है। अगर वो बुजुर्ग माता पिता हमारे साथ बाहर नहीं आ सकते हैं तो हम उसके लिए खाना घर पे ले आते हैं कि ये जो आज का खाना था उसमें आपका भी हिस्सा था, पर आप नहीं आ पाए, हम घर पे लाके आपके साथ शेयर करके खाएंगे। 10 बजे माता पिता जब घर में नाश्ता कर रहे होते हैं उसी समय उसका बच्चा स्कूल के अंदर रिसेस टाइम पे वही लंच बॉक्स में वहाँ अपने मित्रों के साथ वो शेयर करके खा रहा होता है। ये खाने का, शेयरिंग करने का अगर कोई हिस्सा है, कोई पर्पज़ है जो कंप्लीट कर देता है तो वो है टिफ़िन। ये छोटी सी बात, टिफ़िन के माध्यम पे हमें प्रेमजी भाई पटेल, पूरा नाम है प्रेमजी भाई सोमा भाई पटेल, वो हमें चैप्टर नंबर 17 स्टैंडर्ड 10 गुजराती के अंदर बताना चाहते हैं। समझते हैं ये छोटी सी लघु कथा टिफ़िन। प्रेमजी भाई सोमा भाई पटेल जन्म गुजरात के साबरकांठा जिला के तलोद तालुका में आया हुआ खेरोल गांव में जन्म हुआ। कॉलेज के अंदर अध्यापक का कार्य किया और फिर अलग अलग टाइप पे उसने 4 प्रकार का कार्य अपने जीवन के अंदर लेखन कार्य के हिसाब से किया। लघु कथाएं लिखी, बाल साहित्य लिखा, लोक साहित्य भी लिखा और कुछ क्रिटिसिज्म जिसको हम कहते उसको कहते विवेचन ग्रंथ भी उसने लिखे। यहाँ पर एक मार्मिक घटना जहाँ पर अमथी माँ को ध्यान में रखकर एक सुंदर सी बात टिफिन के अंदर आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं महेंद्र जोशी। एक गांव है, उस गांव के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन था। हर एक व्यक्ति को उस खाने के अंदर वहाँ पर इनविटेशन आ चुका था। इस गांव के अंदर एक बूढ़ी माझी भी रहती थी, बस वो बूढ़ी माझी के घर के पास ही मेरा घर था। सबको इनविटेशन था इसलिए सब वहाँ पर खाना खाने के लिए जाने वाले थे, तो मैं भी चला गया अमथी माँ के पास और बोला कि अमथी माँ सुनते हो? हाँ जी, बोल बेटा। आपको भी उसके घर पे खाना खाने का इनविटेशन आया ही होगा? बोला हाँ बेटा आया है ना। ठीक है माँ जी, तो आप वहाँ पर मत आइएगा, मुझे भी वहाँ पर इन्विटेशन आया है, वो तो मेरा खास मित्र है, बहुत सारा काम भी है वहाँ पर मुझे, पर फिर भी मैं वहाँ पर उस काम की जिम्मेदारी में से भी आपके लिए टाइम निकाल कर आपके लिए यहाँ तक मैं टिफ़िन ज़रूर ले आऊँगा। इसलिए आज रसोई घर में जाकर धुएँ में और चूल्हे में अपना स्वास्थ्य को परेशान मत करिएगा, ठीक है माँ जी? ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। अमथी माँ ने इस बात में सपोर्ट किया और मैं अपने काम के अंदर लग गया। समय 12:01 का समय हो गया और मुझे याद आया कि मेरे पड़ोस में रहने वाली अमथी माँ है, उसके वहाँ पर मुझे टिफ़िन लेके जाना है। मैंने तुरंत ही टिफ़िन पैक किया, दौड़ता भागता हुआ अमथी माँ के घर पहुँचता हूँ। बस वहाँ से हमारी ये लघु कथा की शुरुआत होती है। पढ़ते गुजराती के अंदर टिफिन के ऊपर। मैं मांडवी के अंदर प्रवेश करियो और जोर से वहां से मैंने आवाज दी, अमथी माँ, अरे ओ अमथी माँ। अमथी माँ ने अपने घर के अंदर जो रसोई रसोड़ू जिसको कहते हैं, रसोई घर जो था, वहां से धीरे से आवाज दी, आए भाई आए। डाबी तरफ थी आवाज आ रही हो तो क्या गयो,
તો ત્યાં રોટલા ઘડવાનો ટપ 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 અવાજ આવી રહ્યો હતો. મારો મનમાં થયું કે આ ડોશી પણ ખરા છે. હા, મેં કીધું હતું કે ગમે એટલું કામ હશે તે છતાં પણ મેં આપકે લીએ ખાના જરૂર લેકે આઉંગા, ટિફિન જરૂર લેકે આઉંગા, પણ આ જો ફિર ભી વહી ચૂલા વહી ધુઆ ઓર વહી અપના કામ. એસા કહે કે મેં પહોંચ ગયા ટિફિન લેકે વહાં પર, ઓર જાકે થોડા મને ડાંટતે હુએ કહા કે હું તમને જાતે આવીને ટિફિન આપવાની જવાબદારી મેં લીધી હતી. જમેડવાની ગમે તેટલી ધમાલ હશે તો પણ મેં લેકે આઉંગા, એ મને બોલા થા આપકો, તો પણ એક દિવસ પૂરતા ધમાડા ધુમાડાથી બચે, પણ અમથીમાં કોને કહે. મેં પહી કહી દીધું કે માજી કહ્યું તું ને તમને કે હું ટિફિન લઈને મેં પૂરા કરું સેન્ટેન્સ તો પહેલે હી અમથીમાને કહી દીયા. હા, એ તે સારું કર્યું ટિફિન લઈને આવ્યો તો, મેં થોડો ગુસ્સો બતાવ્યો. તો આ રોટલાનું વૈતરું શા માટે કરો છો? વૈતરું જીસકો હમ સમજતે ગધા વૈતરું, બિના ફાલતુ કા કામ કરના. એ રોટલે ગણને કા બિના ફાલતુ કા કામ ક્યું કર રહે હો? તેણે મારી તરફ જોયું અને હળવાશથી કહ્યું, હા હું ધરાય જાઉં, પણ મારી આ સામે બેઠી છે ને કાળવી અને આ ગોરવી હમણાં આવશે, એ બંનેને મારે શું જવાબ આપવાનો ભાઈ? એ તો કહે. હું વિચારમાં પડી ગયો, કોણ હશે આ કાળવી, કોણ હશે આ ગોરવી? માજીનો ઈશારો ક્ષણેક વિત્યા બાદ મને સમજાયો. કાળવી બીજું કોઈ નહીં પણ કાળી કૂતરી હતી, અને ગોરવી બીજું કોઈ નહીં પણ ગોરી ગાય હતી, એની વાત અમથીમાં કરી રહ્યા હતા. અટકીને આગળ કહે કે ભાઈ હું આ તારું ટિફિન ખાઉં અને આ ગાય અને આ કૂતરી મને જોતા રહે અને હું ખાતી રહું તો એ જીવ પણ નેહાકા નાખે ને તો મારું ખાધું એ વાગે બોલ નહીં પાય. નેહાકા મતલબ નિશાસા, જબ થક જાતે હૈ તો શ્વાસ કો છોડ દેતે હૈ, નિરાશ હો જાતે હૈ. અગર મેં ખા રહા હું, કોઈ માં ખા રહી હૈ ઓર ઉસકે બાજુ મેં ઉસકા બેટા ભૂખા પ્યાસા ખડા હૈ, એસી માં ખા નહીં સકતી હૈ. કોઈ મિત્ર ખાના ખા રહા હૈ ઓર ઉસકે બાજુ મેં ઉસકા હી મિત્ર ખડા હૈ, વો ખાના હજમ નહીં હો પાયેગા. ઇસી તરહ સે યહાં પર એક મિત્રતા બતાતી હૈ, એક પશુ કે પ્રતિ ભી પ્યાર બતાતી હૈ, વો હૈ હમારી અમથી માં. ઉસને કહા કે આ બે જીવ નેહા કા નાખે તો મારું ખાધું હી પર, મેરા ખાયા હુઆ ભી મુજે ડાઇજેસ્ટ નહીં હોગા, પચેગા નહીં. ડોશી જાણે અપને કુટુંબી જન કી બાત કર રહી હો, ઉસ તરહ સે મુજે સમજા રહી થી, ઓર મેં સમજતે હુએ ભી ના સમજ કી તરહ ઉસકો દેખતે જા રહા થા. યે થી છોટી સી લઘુકથા, પ્રેમજીભાઈ પટેલની શ્રેષ્ઠ લઘુકથા મેં સે લી ગઈ થી. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપકા મિત્ર મહેન્દ્ર જોશી. ઓર કોઈ ડાઉટ હો તો આપ જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરીએગા, કમેન્ટ્સ કરીએગા ઓર મુજે બતાયેગા કે આગે ઓર ક્યા ચાહીએ.